आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में। साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था जेवन कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी की श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में, बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा कुल मिलाकर घोष्टी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है, तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा।
फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था। और फिल्म में ख़ास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की ख़ास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का घोष्टी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू रेडिन किंग्सले थंगा दुरई जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुभू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर तो उस सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेल फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमाने ही थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो मूवी के कॉर्नर शीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करना जानते हैं तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं।
उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगु फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती है। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था। फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि एनएबलाई फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है। और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वह विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी को अच्छी है। फिल्म की रिव्यू की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनित की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था J1 कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है। और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर गोष्ठी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा। फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था और फिल्म में ख़ास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का, गोष्ठी फिल्म का, वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, थंगा दुराई, जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुब्बू पंचू और आर.एन. मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें, खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितने भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है
फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन्स था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है, जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन्स, बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं, यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर, तो उस सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेले फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे, लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज की गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमा नहीं थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो, मूवी के कॉर्नर सीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना जानते हैं, तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें, फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे दो दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगू फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती है। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था।
फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था, और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि अनबिलीवेबल फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली ही नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म है पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वो विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यूज की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश
कोशिश करेंगे। आपको बता दें घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जानी जाती हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था जेवन कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी की श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा कुल मिलाकर घोष्टी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है, तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा।
फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था। और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का घोष्टी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू रेडिन किंग्सले थंगा दुरई जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुभू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर तो वो सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेल फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमाने ही थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो मूवी के कॉर्नर शीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करना जानते हैं तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं।
उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगु फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती है। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था। फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि एनएबलाई फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है, और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वह विफल रहती है, और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं, और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी, और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था, और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी, क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों, जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो, लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है, जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें, मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यू की बात करें, मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी, और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे, और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा, और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था, और लोगों का जो छायांकन दिया गया था J1 कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है, और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है, और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है, और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में, बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है, और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है, फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं, और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है, और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर, और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर गोष्ठी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतनी ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा। फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था और फिल्म में ख़ास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का गोष्ठी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, थंगा दुराई, जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुब्बू पंचू और आर.एन. मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है
फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन्स था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है, जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन्स, बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं, यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर, तो उस सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेले फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे, लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमा नहीं थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो, मूवी के कॉर्नर सीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना जानते हैं, तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें, फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे दो दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगू फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती है। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था।
फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था, और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि अनबिलीवेबल फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली ही नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म है पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वो विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यूज की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश
कोशिश करेंगे। आपको बता दें, घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था जेवन कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी की श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में, बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है, फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें, मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर घोष्टी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है, तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है, मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में, वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा।
फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था। और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का घोष्टी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू रेडिन किंग्सले थंगा दुरई जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुभू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर तो वो सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेल फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमाने ही थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो मूवी के कॉर्नर शीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करना जानते हैं तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगु फिल्म
तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती हैं। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं, जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी, जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है, क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था। फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है, जिसे लोगों ने पसंद किया था। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी, जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें, मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी, जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था, जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि एनएबलाई फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की, यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं, जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है। और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वह विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी को अच्छी है। फिल्म की रिव्यू की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था J1 कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर गोष्ठी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा। फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का गोष्ठी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, थंगा दुराई, जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुब्बू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितने भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है
फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन्स था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है, जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन्स, बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं, यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर, तो उस सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेले फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे, लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमा नहीं थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो, मूवी के कॉर्नर सीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना जानते हैं, तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें, फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे दो दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगू फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती है। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था।
फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था, और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि अनबिलीवेबल फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली ही नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म है पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वो विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यूज की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश
कोशिश करेंगे। आपको बता दें, घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जानी जाती हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था J1 कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में, बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है, फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें, मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर घोष्टी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है, तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है। और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है, मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में, वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा।
फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था। और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का घोष्टी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू रेडिन किंग्सले थंगा दुरई जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुभू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर तो वो सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेल फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमाने ही थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो मूवी के कॉर्नर शीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करना जानते हैं तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगु फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती है।
फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था। फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि एनएबलाई फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्में पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है। और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वह विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी को अच्छी है। फिल्म की रिव्यू की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था J1 कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर गोष्ठी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा। फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का गोष्ठी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, थंगा दुराई, जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुब्बू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितने भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है
फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन्स था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है, जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन्स, बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं, यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर, तो उस सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेले फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे, लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमा नहीं थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो, मूवी के कॉर्नर सीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना जानते हैं, तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें, फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे दो दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगू फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती हैं। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था।
फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था, और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि अनएब्लाई फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली ही नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म है पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वो विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यूज की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश
कोशिश करेंगे। आपको बता दें, घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था जेवन कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में, बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है, फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें, मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर घोष्टी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है, तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है। और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है, मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में, वो बहुत ही अच्छी रही थी और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था फिल्म की कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा। फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था। और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है, जो लोगों ने पसंद किया था।
फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का घोष्टी फिल्म का वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू रेडिन किंग्सले थंगा दुरई जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुभू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें साउथ में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से क्योंकि मूवी जो है फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर तो वो सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेल फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमाने ही थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो मूवी के कॉर्नर शीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करना जानते हैं तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगु फिल्म
तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती हैं। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं, जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी, जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है, क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था। फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था, जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है, जिसे लोगों ने पसंद किया था। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी, जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें, मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी, जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था, जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि एनएबलाई फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की, यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं, जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है। और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वह विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यू की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घोष्टी फिल्म के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मूवी से रिलेटेड फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म के बारे में एक बेहतरीन किरदार के बारे में, साथ ही साथ फिल्म की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और यह फिल्म किस तरीके से बनाई गई थी, मूवी का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी करी थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें घोष्टी यह जो फिल्म है 2023 में रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में कल्याण के द्वारा यह फिल्म लिखी और निर्देशित करी गई थी। मूवी को शीड पिक्चर्स के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसमें यह काजल अग्रवाल और के एस रवि कुमार और योगी बाबू के साथ में हमें रेडिन किंग्सले और उर्वशी की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मूवी में यह 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशक कल्याणन रहे थे और फिल्म के लेखक हमें इसमें कल्याण के साथ में अभिनीत की गई थी काजल अग्रवाल के द्वारा और के एस रवि कुमार के बीच में जाने जाते हैं। योगी बाबू और रेडिन किंग्सले इसमें अभिनय किया गया था और लोगों का जो छायांकन दिया गया था J1 कैगीनाथ के द्वारा दिया गया था। मूवी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस फिल्म को 17 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म को एक कॉमेडी के जॉनर में रखी गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बीच में दिखती है और ख़ासकर फिल्म का जो किरदार था योगी बाबू ने इस फिल्म में पूरी कार्यभार को संभाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और क्योंकि फिल्म का मूवी जो है वो हॉरर कॉमेडी के श्रेणी में आती है, तो इस वजह से फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीच में दिखाई जाती है और लोगों ने एक बेहतरीन कमबैक के साथ में बेहतरीन स्टोरी के साथ में इसे जाना था। खासकर इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी बेहतरीन स्टोरी की वजह से फिल्म की कहानी वो लोगों के द्वारा जानी गई थी, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलता है। फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी और बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ में फिल्म की कहानी दिखलाई जाती है, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा खासा फिल्म का स्टोरी में दिखलाया गया था। मूवी की कहानी एक अच्छी है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बता दें कि मूवी जो है फिल्म में हमें योगी बाबू और रेडियन किंग्सले के साथ में उर्वशी इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं और मूवी की जो कहानी संपादित करी गई है विजय वेलुकुट्टी के द्वारा जाना जाता है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था फिल्म की कहानी को लेकर और मूवी किस तरीके से है, फिल्म को क्रिटिक ने कितने ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पॉन्स दिया था किस तरीके से, इन सारी बातों को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
आपको बता दें मूवी जो है 17 मार्च 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लोकेश बालचंद्रन ने मूवी को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और कहा, कुल मिलाकर गोष्ठी एक और तमिल फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी के साथ में न्याय करने में विफल रहता है और चूंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदसूरत तरीके से दिखलाई गई है तो इस वजह से मूवी में हमें दिखला दिया जाता है कि वह अलग है। और वहीं हमारे बीच में एक बेहतरीन कमबैक सीन्स को भी दिखलाया गया था। इसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी के साथ में ये भी जाना जाता है कि मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाई जाती है। और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कमबैक स्टोरी के साथ में इसे दिखलाया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मूवी की कहानी जो है एक अच्छी है और वहीं हमारे बीच में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहती है जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। खासकर इसमें म्यूजिक और कस्टडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और लोगों ने यही रीजन से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। फिल्म जो है मूवी की कहानी काफ़ी अमेजिंग है और लोगों के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। और वहीं इसमें इस कहानी को ये भी दिखलाया गया था कि फिल्म में है जो मूवी को दिखाया जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी और लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया भी था। आपको बता दें कि मूवी की जो कहानी है फिल्म के बारे में, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में, वो बहुत ही अच्छी रही थी। और वहीं लोगों ने जो कि इतने ज़्यादा उम्मीदों के साथ में बनाया था, फिल्म की कहानी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखलाई जाती है। मूवी एक अच्छी है और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है जिसे लोगों ने एक अच्छी फिल्म की कहानी को बतलाता है। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दिखला दी जाती है। फिल्म की कहानी जो है उसे लोगों के द्वारा अच्छी तो मानी ही गई थी, वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें इंक्लूडिंग स्टोरी को ये भी बतलाया था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी कमबैक सीन्स को भी दिखलाया जाएगा। फिल्म जो है वो लगातार मूवी में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा जानी जाने लगी थी और जिसे लोगों ने पसंद किया था। और फिल्म में खास बात यह है कि मूवी एक अच्छी स्टोरी और कमबैक सीन्स के साथ में दिखला दिया जाता है जो लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में एक अच्छी मूवी की खास बात यह है कि फिल्म में एक और भी कई सारे इंक्लूडिंग स्टोरी के बीच में दिखाई गई थी जो बहुत ही बढ़िया रहा था। फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और इसमें काजल अग्रवाल ने फिल्म जुलाई 2021 में इस फिल्म का प्रोमो शूट किया था। मूवी का जो टीजर था इस फिल्म का, गोष्ठी फिल्म का, वो अक्टूबर 2022 में जारी की गई और इसे बाद में ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। उस पर फिल्म का ट्रेलर और मूवी की रिलीज की डेट भी जारी की गई थी। और वहीं 17 मार्च 2023 को फिल्म के रूप में घोषित किया गया था और मूवी रिलीज होने की बात कर दी गई थी। मूवी की कहानी की बात करें तो काजल अग्रवाल उनकी आरती के रूप में इस फिल्म में दिखाई जाती हैं और वहीं दास के रूप में हमें के एस रवि कुमार ने काम किया था और योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, थंगा दुराई, जगन और उर्वशी आदि के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई थी। मूवी सत्यन और अदु कलम नरेन के साथ में मनोबला और लाइंग स्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखलाए गए थे। और वहीं मोटा राजेंद्रन इस फिल्म में हमें मियाल सामी की भूमिका निभाते हुए दिखलाए जाते हैं। मियाल सामी हमें देव दर्शिनी की भूमिका निभा रहे थे और सुरेश चंद्र मेनन के रूप में शुब्बू पंचू और आर एन मनोहर की भूमिका निभाते हुए दिखाए गए थे। फिल्म में जो अतिथि की भूमिका थी वो राधिका शरत कुमार के द्वारा दिया गया था और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर था वो 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। काजल अग्रवाल ने इसमें जुलाई 2021 में इस फिल्म को प्रोमो शूट किया था और वहीं फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। मूवी में काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इसमें, खासकर काजल अग्रवाल और योगी बाबू की भूमिका के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, साउथ में जितने भी हॉरर मूवीज बनती हैं शायद कुछ ही ऐसे परफॉर्म कर पाती हैं जिसे लोगों के दिलों में राज किया हो और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। अधिकांश साउथ फिल्में हक देती है बुरी तरीके से, क्योंकि मूवी जो है
फिल्म की एक्टिंग और फिल्म का जो इमोशनल सीन्स था उसमें मेंटेन नहीं कर पाती है। फिल्म में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाया गया है, जैसे कि फिल्म में बहुत ज़्यादा फनी सीन्स, बच्चों के लेवल की फिल्म में फ़नी सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे मैच्योर लोग और आप और हम जैसे बड़े लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे फिल्म को देखते टाइम। ओवरऑल इस फिल्म को जो अंधे साउथ के फैंस हैं, यानी कि अंधाधुन मूवी को देखते हैं साउथ की फिल्मों को खोज खोज कर, तो उस सारे लोगों के लिए यह फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओवरऑल मूवी जो है वो नॉर्मल उसी तरीके से दिखलाई गई थी जो कि इस फिल्म में दिखाया जाता है। और फिल्म की खास बात यह है कि मूवी में जो विजय सेतुपति की एनाबेले फिल्म है वो उसी के लगभग की यह फिल्म दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारा हॉरर तो नहीं लेकिन बहुत सारी फनी सीन्स भी नहीं दिखाए जाते हैं। मूवी ओवरऑल दर्शकों के द्वारा फिल्म ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिए गए थे, लेकिन फिल्म को क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और मूवी को एक बहुत नीचे लेवल तक जाकर के गिरा दिए गए थे। हालांकि फिल्म को थिएटर में रिलीज करी गई थी तो मूवी थिएटर से कुछ तो पैसे कमा नहीं थे। फिल्म चाहे कोई भी रिलीज हो, मूवी के कॉर्नर सीट वाले मूवी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना जानते हैं, तो इसी वजह से फिल्म में हमें टर्न और ट्विस्ट को भी दिखलाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया भी था। मूवी की कहानी की बात करें, फिल्म में एक बेहतरीन स्टोरी में दिखाया गया था कि काजल अग्रवाल इस फिल्म की भूमिका के लिए साइन करी गई थी। काजल अग्रवाल ने हाल ही फिलहाल में और भी कई सारी मूवीज बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन ये जो फिल्म है उनकी पूरी तरीके से बवासीर टाइप के रूप में रही थी क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही थी और उम्मीद करी जा रही है कि मूवी उम्मीद बढ़िया तरीके से करे। और फिल्म में वे काजल अग्रवाल जो हैं वो तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी जाती हैं और वे अग्रवाल ने फिल्म में 50 से अधिक मूवी में काम कर चुकी हैं। वे दो दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार को भी जीते हैं और वहीं हमें 19 जून के उनमें वे 27 वर्ष की वर्तमान एजेस में दिखाई जाती हैं। उनके एक बच्चे और निशा अग्रवाल उनकी बहन जाने जाते हैं। और मूवी में जो हमें दिखाया गया था काजल अग्रवाल की 2004 की हिंदी फिल्मों में क्यों हो गया ना और 2007 की पहलू तेलुगू फिल्म तमिलम लक्ष्मी कल्याणम के रूप में जानी जाती हैं। फिल्म में उनकी आजीविका बहुत ही बढ़िया रही थी और आजीवन के बारे में उन्होंने सिनेमा की अभिनेत्री वो बन गई थी। उनकी पत्नी और वो बिल्कुल सेम कॉपी जैसी लगती हैं और वे पालन पोषण जो है उनका बॉम्बे एंड मुंबई में हुआ था। पंजाब के हिंदू राष्ट्र परिवार से वे हैं और उनके पिता सुमन अग्रवाल हमें कपड़ा व्यवसाय के एक उद्यमी हैं जो कि उनकी विनय माँ अग्रवाल हलवाई दिखाई जाती हैं। और वहीं काजल के व्यवसाय प्रबंधक भी हैं और वहीं काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल जो कि तेलुगु तमिल सिनेमा में एक अभिनेत्री का काम करती हैं। काजल अग्रवाल सेंट एनी हाई स्कूल और फोर्ट मुंबई में अध्ययन किया है और वहीं हिंद कॉलेजों में अपने पूर्व विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करी है, जिसे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रभावित करने में वह सफल रहती हैं। बॉलीवुड में वे 2004 से फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और वहीं काजल अग्रवाल तेलुगु में भी शुरुआत करते हुए दिखाती हैं, जो कि 2007 की फिल्म कल्याणम राम के साथ में रवि तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ था और वहीं उस वर्ष के अंत में यह फिल्म जो है वो कृष्णा वामसी के द्वारा निर्देशित करी गई थी। फिल्म में चंद्रा मामा दिखाई गई थी जो कि पहले सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली गई थी और पहली कड़ी सफल फिल्म बन जाती है। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म के रूप में वह पारा रेशु और एक्टर एंटरटेनर के रूप में पद्मानी के रूप में जाने जाते हैं। और वहीं वेंकट प्रभु हमें कॉमेडी थ्रिलर सरेजा के रूप में जानी गई थी और वह एक तमिल और रिलीजियस के रूप में वह जानी गई थी, जिसे लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। हालांकि वे एक तमिल और व्यावसायिक फिल्मों में एक ही साथ महत्वपूर्ण सफलता उनकी बन गई थी, जिसमें यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रहती है क्योंकि वह जो उनकी फिल्म है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वहीं हमारे लिए वह विपरीत तेलुगु फिल्म पोरेडू और अति दस्ता के लिए क्रमशः सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है और इसमें काजल अग्रवाल के करियर और जीवन के लिए उछाल लाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की जो काजल अग्रवाल के बीच में करियर थी वह उनकी काफ़ी ज़्यादा सुधार और बढ़िया तरीके से लाने दिखाए गए थे और वहीं इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने इसे पसंद किया जाने लगा था।
फिल्म में जो मूवी की कहानी दिखलाई गई थी वो एक अच्छी तो रही ही थी, इसी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट को दिखलाया गया था जिसे लोगों ने एक अच्छा मूवी माना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया भी गया था। फिल्म की कहानी एक बेहतरीन रही थी और वहीं हमारे बीच में मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बेहतरीन किरदार और कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने पसंद किया था, और वहीं हमारे बीच में एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के साथ ही साथ फिल्म की बहुत बेहतर कहानी को दिखलाया जाता है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। मूवी की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी जिसे वहीं मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और लोगों ने फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। और आपको बता दें मूवी जो एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यह फिल्म जो है वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखलाया गया था और वहीं हमारे लोगों ने इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से माना भी था और ख़ासकर फिल्म का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे लिए अपनाया गया था। आप में यह भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी जो कि बहुत बेहतरीन रही थी और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था जिसे एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ में जाना जाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को। मूवी की कहानी बेहतर लगी थी और लोगों ने खासकर फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि मूवी जो है वो ओवर एक्टिंग के साथ में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी जो कि फिल्म की नेगेटिव पॉइंट है। मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म को एक बहुत ही नए तरीके से रिलीज करी गई थी और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट मूवी की कहानी थी वो थोड़ी अलग दिखाई गई थी। मूवी ओवरऑल फिल्म उसी तरीके से रहती है जैसे कि अनबिलीवेबल फिल्म है। मूवी हॉरर तो दिखाई गई है, हॉरर कुछ भी नहीं है और कॉमेडी के नाम पर उन लोगों ने टट्टी की है, तो इस वजह से उस वर्ष की यह जो जुलाई फिल्म रही थी 2023 की यह फिल्म उतनी ज़्यादा तो चली ही नहीं मेरे अनुमान से। और जहाँ तक बात करें इसमें लड़की काव्या भोसले वे चित्रण के रूप में जाने जाते हैं जिसे आलोचकों ने कहा था कि काजल अग्रवाल के पास में नायक केंद्रित फिल्म है पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कोमल नहाटा ने उनके प्रदर्शन के लिए मूवी को काफ़ी अच्छा कहा है, जबकि उनके फिल्म फेयर में ये लिखा गया है कि काजल जो अच्छी दिखती हैं वही उन्होंने किया है और उन्होंने बताया कि लेकिन शायद वो भावपूर्ण शुरुआत के साथ हकदार रही थी। और वहीं बहरहाल के साथ में मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी जिसे उनके प्रदर्शन के लिए उनके 2 पुरस्कारों को नॉमिनेट किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए अवार्ड को जीता था। और अग्रवाल ने नागा चैतन्य के साथ में तेलुगु फिल्म डाढ़ा के साथ 2011 के लिए उन्हें समाप्त की गई थी। मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी वो विफल रहती है और 2012 में शुरुआत में अग्रवाल के साथ पूरी जगन्नाथ को निर्देशित फिल्म महेश बाबू के लिए तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में दिखाई दिए गए थे। और वहीं हमारे लिए इसमें दिखाया गया था कि फिल्म में जो जैकब वेलुपुट्टी थे मूवी के संपादक के रूप में जाने जाते हैं और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिल्म की थांगा दुराई के साथ में मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जो जारी किया गया था वो 14 अप्रैल को की गई थी और मूवी रिलीज भी करी गई थी उसी समय। काजल अग्रवाल ने फिल्म को जुलाई 2021 में उनके इस फिल्म की प्रोमो शूट किया था और वहीं हमारे लिए बहुत जाने जाने लगी थी। उर्वशी की यह फिल्मोग्राफी काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मूवी में वो बहुत पहले से दिखी आ रही हैं और वो तमिल की एक शान के रूप में काम करती हैं। दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म घोष्टी मूवी की, तो भले ही फिल्म 2023 में रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कहानी और मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत पहले की है। मूवी ऐसी फिल्म है शायद 2009 या 10 में बनाई जाए तो फिल्म काफ़ी हंसी वाली बन सकती थी और फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी एक सैड मोमेंट के साथ शुरू होती है जो कि आपको विफल कर देती है हंसाने में भी। फिल्म की कहानी की बात करें मूवी अच्छी है। फिल्म की रिव्यूज की बात करें मेरी ओपिनियन में फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी गई थी और मूवी में 5 में से 2 की रेटिंग भी रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल इस फिल्म को फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी खासी निकल कर आती है।